हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आज मैं आप लिए एक और न्यू रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि आपके इस रिश्ते का क्या होने वाला है। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल रहता है मन में कि इन फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो ये जो डाउट्स है आपके मन में, देखते यूनिवर्स आपको लेके, आपके इस रिश्ते को लेके क्या यहाँ पे मैसेज देना चाहते हैं। ओके, तो जनरल रीडिंग है व्यूवर्स, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपसे रेजोनेट करती है। तो चलिए देखते हैं आपके रिश्ते की एनर्जी, आपके रिश्ते की सिचुएशन और आपके रिश्ते का आउटकम। क्वीन ऑफ सोर्ड, टू ऑफ सोर्ड, जस्टिस। आपका रिश्ता विवर्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि एक तरह से कोई डिसीजन का वेट कर रहा है, कोई डिसीजन है आपके रिश्ते में। एक कहीं ना कहीं डिसीजन की कमी नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि वो डिसीजन हो नहीं सकता, वो मतलब यहाँ पे अगर आप समझो तो मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या करा जाए, कैसे किया जाए, क्या इस सिचुएशन से कभी हम निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, क्या मेरे साथ में यानी आपके साथ में जस्टिस होगा। यहाँ पे आपको ये सबसे बड़ी यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है। आप बहुत समय से एक सिचुएशन में स्टक हो गए हो, अटक गए हो, आपका माइंड ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है। आपको कुछ भी फ्यूचर में नज़र नहीं आता कि फ्यूचर क्या होगा, क्या होगा आपकी लाइफ का। आपको अकेले रह जाने से भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको अकेले अपनी ज़िंदगी कैसे आप सामना करोगे मुसीबतों का, या फिर कहीं ना कहीं कैसे आप सामना करोगे इस सिचुएशन का आगे, क्योंकि मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके मन में एक तरह का नेगेटिव थॉट भी देख रही हूँ। और आप इस समय कहीं ना कहीं अगर आप देखा जाए तो जो आपकी एनर्जी गाइज मिलती है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड की। बहुत ही स्ट्रिक्ट एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रिक्ट, कहते हैं ना वो हेड मास्टर वाली, कितने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं मतलब, और बच्चे उनसे थर थर काँपते हैं। आपसे भी कहीं ना कहीं लोग ऐसा ही मतलब एक दूरियां सी बना रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है, लोग आपसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन हाँ, जो आपको अच्छे से जानते हैं वो ज़रूर आपके साथ में है, अदरवाइज़ तो लोग आपसे दूरियां बना रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर नेचर। उनको आपका नेचर इस समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लोगों को कहें, आपके अपने लोगों का ही, इवन द फैमिली मेम्बर्स का भी। आप वो आपको भी इस समय ऐसा देख रहे हैं कि यार इसको हो क्या गया, बड़ा रूड हो गया, ये बड़ी रूड हो गई है, मतलब ढंग से हंस के कभी बात ही नहीं करती है या करता ही नहीं है, पता नहीं इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। हर समय से मतलब इसके इसके दिमाग में सिर्फ टेंशन रहती है, गुस्सा रहता है, कभी मतलब ढंग से बात ही नहीं होती है, कभी हंसी मजाक, जैसे ह्यूमर क्या होता है ना, सेंस ऑफ ह्यूमर आप भूल गए हो, ऐसा ही है, मतलब टू द पॉइंट बात करना, हाँ बताओ क्या बात है, ठीक है, समथिंग लाइक स्ट्रेट पॉइंट पे आना और इधर उधर की बातें करना आपको पसंद नहीं आता। पहले आप कर लिया करते थे लेकिन अब आपको ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। अब आपको गोल मोल बातें नहीं, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात पसंद आती है, जो भी कहो साफ साफ कहो, अदरवाइज बात ही मत करो मुझसे, ऐसा आपकी एनर्जी से मुझे नज़र आता है। लेकिन आप लोगों से तो एक्सपेक्ट करते हो कि लोग आपसे साफ साफ बात करें, पर आपकी ज़िंदगी में आपको क्या डिसीजन लेना है ये आपको खुद ही नहीं पता, आप स्टक हो गए हो जस्ट बिकॉज कि आपका दिल और दिमाग एक साथ काम नहीं कर रहा है। आप लोगों के लिए तो फैसले ले लेते हो लेकिन खुद के लिए लेना आपके लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। लोगों के लिए तो आप बहुत ही एक सिंपल से एक झटके में डिसीजन दे देते हो कि ये गलत है ये सही है, लेकिन जहाँ बात खुद की आती है तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, ऐसा ही यहाँ पे नज़र आ रहा है। लिब्रा राशि व्यूवर्स यहाँ पे एक प्रोमिनेंट राशि हो सकती है, और वैसे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी सारी की सारी निकल के आई है, तो ये जो एक एयर साइन एलिमेंट है काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पे अभी फ़िलहाल एनर्जी में निकल के आया है। ओके, टू नंबर, 11 नंबर ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। टू वैसे भी अगर देखा जाए टू को भी हम 11 की तरह ही देखते हैं, तो आपके लिए टू नंबर या 11 नंबर आपके लिए, 11 नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है। मे बी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या फिर आपके लिए कोई स्पेशल डे हो, जैसे कि कोई 11 तारीख, ठीक है, 2 तारीख, नवंबर का महीना, ठीक है,
या साल 2022 उसमें भी 2-2 की एनर्जी काफ़ी रही है। तो ये जो कहीं ना कहीं आपके लिए मुझे नज़र आ रहा है कि इस ये जो दो में भी पिछला साल जो आपके लिए गया है 2022 का, इसने आपको काफ़ी चेंज किया है, काफ़ी बदल दिया है, आपकी थिंकिंग को बदल दिया है। और आप लोगों को जो देखते थे जिस नज़रिए से आप, मतलब एक आप एक लोगों पर ट्रस्ट बहुत कर लिया करते थे, मतलब कहीं ना कहीं, लेकिन आप लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते हो, आपका ट्रस्ट ख़त्म हो गया है लोगों से। अब आप हर चीज़ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि कहते ना वो लिख पढ़ के हो, या फिर कहीं ना कहीं प्रूफ हो इसका, प्रूफ प्रूफ किसका क्या प्रूफ है, ठीक है, सबूत दो मुझे। तो ये है, अगर आपके सामने कोई बात कहता है ना, तो आप उसकी बात को तब तक यकीन नहीं करते हो जब तक कि वो आपको वैलिड प्रूफ ना दे दे आपके लिए। मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है क्योंकि आपका भरोसा लोगों से हट गया, टूट गया। और आप अब मैं देख रही हूँ व्यूवर्स कि आप दोनों पक्षों को, मतलब कहते हैं ना कभी कभी आप क्या करते थे, बाइस्ड हो जाते थे। मतलब क्या है कि 22 अनबाइस्ड के बीच में जो डिफरेंस होता है कि ठीक है यार उसकी कोई मजबूरी होगी, लेकिन अब आप, मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि अब आप मजबूरी किसी की नहीं समझते, आप यही समझते हो कि इंसान जो करता है वो मजबूरी नहीं में नहीं करता, वो उसके लालच की वजह से करता है या उसकी जो नीड होती है उसकी वजह से करता है, ठीक है। मजबूरी तो इंसान खुद अपनी नाम दे देता है अपने अपने कामों को कि ये मेरी मजबूरी थी, राइट। लेकिन आप ये कहते हो कि नहीं, मजबूरी कुछ नहीं होती है, आप अपने सिर्फ बैड कर्मास को छुपाने के लिए उसको नाम दे देते हो मजबूरी का, यानी कि आप पीछे नहीं भाग सकते जो आपने किया है। आप इस तरह से लोगों को ट्रीट करते हो, अगर तुमने किया है तो अपनी गलती मानो। बहुत स्ट्रांग है आपकी एनर्जी इस समय, बहुत ऐसे लोगों से तो लोग अक्सर देखा जाए व्यूअर्स, बुरा मत मानना, मैं आपको सिर्फ आपको कोई वैसा नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन जब इस तरह की बहुत हार्श एनर्जी हो जाती है ना, तो लोग आजकल ठीक है ऐसे ही हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप साफ साफ बोलते हो। तो ये व्यूअर्स आपकी एनर्जी मुझे आप नज़र आती है, कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते को कुछ इसी तरीके से डील कर रहे हो। ओके, पता नहीं ये सारी बातें आपसे कितनी रेजोनेट हुई हैं, अगर हुई है तो चलो देखते हैं आगे क्या है आपके आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। एट ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ सोर्ड, टू मैनी सोर्ड, आई थिंक ये रीडिंग शायद मे बी आप लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रांग है। थ्री ऑफ सोर्ड भी यहाँ पे है। ओके, थ्री ऑफ एंड, टेन ऑफ सोर्ड एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स। डेफिनेटली यू आर ए क्वीन ऑफ सोर्ड। आज क्वीन ऑफ सोर्ड फंसी है एक ऐसी सिचुएशन में जिससे उसे निकलने का मतलब तरीका नहीं पता चल रहा, यही आपकी एनर्जी है। कार्ड सिंक्रोनाइज हो रहे हैं व्यूअर्स, कार्ड सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड, सो मैं थोड़ा सा कैमरा ये आपका एडजस्ट करती हूँ। ओके, सो व्यूवर्स देखिए यहाँ पर आपके साथ में सच में इनजस्टिस तो बहुत ज़्यादा हुआ है, और जस्टिस की एनर्जी दो बार यहाँ पर आई है, राइट। तो ये दिखाती है व्यूवर्स सबसे पहले कि आपके साथ में एक जस्टिस मे बी किसी ने किया पास्ट में, वो जस्टिस नहीं था, वो इनजस्टिस हो गया, और उसकी वजह से किसी का डिसीजन आपको बहुत गहरा घाव दे के गया है, बहुत गहरा घाव जिससे आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। आप अब आपका, मैं बताऊं व्यूअर्स आपको, आपका ट्रस्ट भी नहीं है अब आप लव रिलेशनशिप और समथिंग लाइक, आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो अब, आपको ये चीज़ें बकवास लगने लगी हैं अनफॉर्चुनेटली। पर यस, आपको कहीं ना कहीं मे बी ये जो रिश्ता है, ये जो क्वीन ऑफ किंग ऑफ कप्स के साथ में आपका रिश्ता नज़र आ रहा है,
ये पर्सन भी बस एक ऐसा पर्सन है मे बी जिसने आपको छोड़ के किसी और से शादी कर ली है, किसी और से शादी की है और आप अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऐसे फंसे हो, शादी कर ली है या फिर आपको छोड़ के किसी और के साथ में चले गए हैं, ठीक है, या फिर इनका जो रूड बिहेवियर है आपके साथ में वो आपको बहुत हर्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये जो पर्सन है ये मुझे इतना दर्द तकलीफ़ क्यों दे रहे हैं, जबकि ये समझते हैं कि आप इनसे कितना प्यार करते थे और करते हो अभी भी। देखो इंसान जब तकलीफ़ में होता ना तो यानी कि वो उस पेन से गुजर रहा है, उसके दिल में अभी भी कहीं ना कहीं कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि उम्मीदें ख़त्म नहीं हुई हैं। जब इंसान की कहीं ना कहीं उम्मीद ख़त्म हो जाती है ना तो वो उन चीज़ों को दरकिनार कर देता है, लेकिन अभी भी मुझे जैसे कि आप यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड में नज़र आ रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आगे बढ़ूँ या पीछे हटूँ, क्योंकि आप सिचुएशन में स्टक हो गए हो, आपको अपनी चारों तरफ सिर्फ परेशानियाँ नज़र आती हैं। यू आर ए फाइटर और बोन फाइटर मैं कहूँगी, आपने ऐसा ऐसा इससे भी ज़्यादा बड़ी बड़ी सिचुएशन को देखा है, हैंडल किया है कहते ना, लेकिन ये सिचुएशन आपके लिए हैंडल करना बहुत भारी हो गया है, बहुत भारी। और व्यूवर्स यहाँ पे मैं एक बात और बता दूँ आपके लिए कि कहीं ना कहीं देखो ये रीडिंग आपके लिए दिखाती है क्या, टेन ऑफ सोर्ड दोनों बॉटम से है और इसके साथ में अगर हम देखें इधर से और इधर से, नाइन ऑफ कॉइन एंड द स्टार की एनर्जी, तो ये जो बॉटम की एनर्जी व्यूवर्स आपके ये दिखाती है कि आपकी जो टेन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, आप लोग जो इस समय अपने आप को ऐसा ही महसूस कर रहे हो जिस लाइक का कि आपके साथ में किसी ने बहुत 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 ज़्यादा, जैसे कि अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी के साथ में गलत हो सकता है तो इस समय वो आप अपने आप को फील कर रहे हो, जिस लाइक का विक्टिम एनर्जी है कि मतलब इतना शायद आप अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हो कि आपकी ज़िंदगी बची नहीं है। मे बी समटाइम आप कुछ नेगेटिव थाट भी अपने अंदर लेके आते हो, लेकिन यूनिवर्स आपसे क्या कह रहे हैं, नाइन ऑफ कॉइन्स है, स्टार है और ये एनर्जी के बेस पे व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखो कभी कभी वो सिचुएशन उसी इंसान के सामने आती है जो उतना मजबूत होता है। ये बात आपको बुरी लग रही होगी कि दी ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है, ठीक है, अगर हम मजबूत हैं इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हमें तो यूनिवर्स टॉर्चर करेंगे, नहीं वो आपको टॉर्चर नहीं कर रहे हैं, वो आपकी जस्ट लाइक अब मैं ये देख रही हूँ कि वो आपको इस सिचुएशन से निकालने के लिए रास्ता दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सिचुएशन में आना उनका निर्णय नहीं था, ये आपका निर्णय था, इस रिश्ते में आना ये आपका निर्णय था, ये उनका निर्णय नहीं था, यूनिवर्स का नहीं था ये निर्णय, ये आपने चुना था रास्ता, क्योंकि ये रास्ता आपको बहुत पसंद आ रहा था, बहुत पसंद आया था आपको, इसमें खुल के जीने का मौका भी मिला और जितना आपको यहाँ पे सुकून मिला उससे 10 गुना ज़्यादा आपको यहाँ पे दर्द मिला है, ऐसा ही हुआ है यहाँ पे। और इसीलिए मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि अब टाइम आ गया है कि आप कन्फ्यूज़न से बाहर निकलें, ठीक है, या फिर आपको समझना चाहिए कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, क्योंकि अगेन जस्टिस यहाँ पे कहता है कि आपको एक निर्णय लेना होगा तभी आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेंगे और इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकल सकेंगे। डिसीजन इज़ योर्स, आपको कुछ स्ट्रांगली मतलब एक डिसीजन लेने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है और उसी में आपकी हीलिंग है, यहाँ पे उसी में आपकी खुशियों की चाबी छुपी हुई है। नाइन ऑफ कॉइन यहाँ पे है, स्टार की एनर्जी यहाँ पे है जो एक तरह से अबंडेंट को अट्रैक्ट करना दिखाती है अपनी तरफ, अबंडेंस मतलब हर तरह की अबंडेंट में भी आप लोगों का फोकस, जैसे मैंने आपसे बोला था अब आपका लव रिलेशनशिप में भी इतना इंटरेस्ट नहीं है तो आप लोग करियर ओरिएंटेड मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हो, करियर है, पैसा है, पावर है, अपनी अपनी एक इमेज है, स्टेटस है, उसको बिल्डअप करने में आप लोग मुझे कहीं ना कहीं अब अपनी लाइफ का फोकस चेंज करते हुए नज़र आ रहे हो, क्या ऐसा है आप लोगों के साथ में? मुझे तो ऐसा ही नज़र आ रहा है। और अगर मैं देखूं व्यूअर्स आपके लिए चॉइसेस यहाँ पे हैं, आपके पास में चॉइसेस हैं लेकिन आप स्टक हो गए हो क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं देख रही हूँ आपके लिए यूनिवर्स ने गेट ओपन कर दिया, कहते हैं ना एक दरवाज़ा बंद होता है तो उसके लिए का दो खुलते हैं, आपके लिए तीन खुले हैं दरवाजे, आपके लिए तीन दरवाजे खुले हुए हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन दरवाजे खुले हैं, आपको देखना है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। ओके और देखती हूँ आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ गाइड करें। ओह माय गॉड, देखो वी हैव सन अगेन, तो ये व्यूवर्स आपके लिए मैंने बोला एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का यहाँ पे वो मतलब कहते हैं ना सूर्य उदय नज़र आता है,
और यहाँ पे फोर ऑफ वैंड खुशियाँ भी हैं, क्या बात है। फोर ऑफ वैंड्स है हमारे पास और टू ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। अपॉर्चुनिटी व्यूवर्स आपके लिए मैंने जैसे कि बोला था, एक से ज़्यादा है, दो से ज़्यादा है, बिल्कुल हैं यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और कहीं ना कहीं मैं आपके लिए व्यूवर्स देख पा रही हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ के अगर आप ये डिसीजन ले लेते हो जो आपके मन में इस समय क्लिक हुआ है ये रीडिंग को सुनते सुनते, तो वही आपको अपनी डेस्टिनी की तरफ आगे लेके जा रहा है और उसी में आपकी खुशियाँ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। क्योंकि फोर ऑफ बैंड एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन, सेलिब्रेशन और दिल की इच्छा को पूरा होना दिखाता है, यानी कि वो खुशी जो आप हासिल करना चाहते हो अब तक आपको नहीं हुई, तो यूनिवर्स आपको वही देना चाहते हैं, ठीक है। पर आपको अपने जोन से बाहर निकलना होगा, आपको एक डिसीजन लेना होगा बहुत स्ट्रांगली, और वो डिसीजन लेना होगा जो आपके दिल से आवाज़ आती है। मैं आपकी एनर्जी को देखती हूँ, इन फ्यूचर क्या एनर्जी रहेगी आपकी। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, इन फ्यूचर मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी रहेगी, इन फ्यूचर मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी रहेगी, प्लीज़ वो हमें बताएं। ओके, सो वी हैव दिस सिक्स चक्रा मैन होल्डिंग ए कॉइन। मटीरियलिस्टिक एनर्जी व्यूवर्स मुझे आपकी नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं आप लोगों का जो एक करियर बहुत अच्छा हो सकता है। और मैं भी ये भी देखूँ व्यूवर्स की जो एनर्जी आने वाले समय की है वो आपको स्टेबल करती है, ठीक है, आपको इंडिपेंडेंट करती है, आपको एक नाम और एक फेम दिलाती है, मतलब लोगों के बीच में जैसे कि कनेक्ट हो जाना, वो एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आती है। फिफ्थ चक्रा की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो व्यूवर्स एनर्जी है, सिक्स चक्रा आपका जो ब्रॉड विजन दिखाता है, यानी आप ब्रॉडर लेवल पे सोचोगे, ठीक है, छोटी मोटी चीज़ों में आप नहीं फंसोगे, ये आने वाली एनर्जी है। तो आप इसी को लेके आगे बढ़ो, अपने अपने बिगर पिक्चर को देखो अपनी लाइफ की, कि आपको बिगर में यानी आने वाले फ्यूचर में आपको क्या करना है, क्या अचीव करना है, किन चीज़ों को लेके आगे बढ़ना, यही व्यूवर्स है। बिगर पिक्चर मेक यू बिगर, फैट वैट नहीं है, मतलब वो है कि वही स्टेटस वाइज जो एनर्जी है वो यहाँ पे ये दिखाती है। ये जो एनर्जी होती है ना, ये किंग ऑफ पेंटिकल की या क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी हम कह सकते हैं, कि पैसों में कोई कमी नहीं है, मान सम्मान में कोई कमी नहीं है, लोग आप लोगों के बीच में आपकी पहचान बन रही है, लोग आपको समझ रहे हैं, ठीक है। और ये सडन होता है, ये जो एनर्जी होती है ना, ये सडन अवेकनिंग वाली एनर्जी है, सडन चीज़ें बदल जाने वाली एनर्जी है। क्योंकि यहाँ से भी अगर हम देखें बॉटम से, यहाँ पे जो कार्ड आए थे देखो, यहाँ पे एम्प्रेस, या कहीं ना कहीं व्यूवर्स ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में जो हमारे फोर ऑफ बैंड की यहाँ पे एनर्जी आई थी वो आपको अपने लाइफ पार्टनर से कनेक्ट करवाने वाली है। तो ये व्यूवर्स आपके लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी अगर हम देखें नाइन ऑफ पेंटिकल है, और इधर से भी हमारे पास नाइन ऑफ पेंटिकल आया था, ठीक है। तो ये कम्प्लीट अबंडेंस को दिखाती है, यानी पैसे में कोई दिक्कत नहीं है, पावर मिल रही है, शोहरत मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, और वही आप शायद में भी आप चाहते हो, जो आप मांग रहे हो यूनिवर्स से, मे बी आपकी खुद की विश हो सकती है, जो आपने मांगा है वही यहाँ पे कबूल होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। यानी आज जो आपको पार्टनर मिलेगा ना वो भी अबंडेंट होगा, वो भी एक तरह से अपना ही काफ़ी कुछ होगा उसके पास में स्टेटस वाइज। तो आप लोग डीमोटिवेट मत हो, और मैं आपको देखो दिल रखने के लिए नहीं बोल रही हूँ आप लोगों का, ये आप लोगों के साथ में एनर्जी जाती है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए आई है। तो ये पेंटिकल एनर्जी तो बहुत आई है आप लोगों के लिए, और फोर ऑफ बैंड आपको आपका कंपेटिबल मैच दिलाने के लिए आया है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये देखो आपके लिए ये फर्स्ट एनर्जी आई थी, ठीक है। तो ये व्यूवर्स आपके लिए है, उगता हुआ सूरज आपके लिए है, इसको कहते हैं ना उगते हुए सूरज को ही हर कोई सलाम करता है, तो वही आपके लिए है, उगते हुए सूरज हो, अपने आप को डाउन मत होने दो, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए, आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।